खबर इंदौर से है, जहां एक किसान परिवार को 3 लुटेरी दुल्हनों ने ठग लिया। किसान के 2 और उसके साढ़ू के 1 बेटे को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। दलालों ने तीनों का रिश्ता तय करने के बदले 1.5 लाख रुपए मांगे। डील पक्की होने के बाद 3 लड़कियों से रिश्ता तय कर दिया। सगाई के दौरान दलालों ने एक रस्म निभाने को कहा। इस रस्म को निभाने के लिए जैसे ही लड़के और उनके रिश्तेदार आगे हुए, पीछे से तीनों दुल्हन और दलाल रुपए और जेवर लेकर भाग गए। घटना इंदौर के नजदीक सांवेर तहसील के ग्राम पंचोला की है। यहाँ के किसान जगदीश कुंवर सुनेर की शिकायत पर सांवेर पुलिस ने गणेश महेश और सुंदरबाई के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पीड़ित किसान का कहना है कि आरोपियों ने उनसे 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जगदीश ने बताया कि उनके 2 बेटे लखन और प्रहलाद के साथ ही साढ़ू के बेटे जितेंद्र की शादी तय की थी। गणेश रिश्ता लेकर आया था। उसने बताया था कि बाणगंगा के दीपमाला ढाबे के पीछे मधु और तनु का गरीब परिवार है, आपके दोनों बेटों के लिए ये रिश्ता ठीक रहेगा। लखन की शादी मधु के साथ, प्रहलाद की तनु और जितेंद्र की शादी रेखा के साथ तय हुई। गणेश ने महेश और सुंदरबाई को दोनों लड़कियों का रिश्तेदार बताया। जगदीश ने उनसे मुलाकात की, जहां तीनों ने शादी के लिए 2-2 लाख रुपए की डिमांड की। 1.5 लाख में डील हुई। 7-8 जनवरी को दोनों बेटों की शादी होनी थी। इसके पहले 13 दिसंबर को सगाई के दौरान एक रस्म के मुताबिक दुल्हनों को बारात के पीछे घूमना था। इस रस्म के दौरान दुल्हन एक एक कर वहां से गायब हो गई। किसान परिवार ने उन्हें तलाशा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। दुल्हनों के रिश्तेदार बने महेश, सुंदरबाई और गणेश को भी किसान परिवार ने तलाशा, लेकिन वे भी नहीं मिले। पीड़ित किसान ने कहा कि मधु और तनु को शादी के पहले कुछ रकम भी दी थी, इसे भी लेकर वे भाग गईं। अपने बेटों के साथ कई दिनों तक उनकी लगातार तलाश करता रहा, लेकिन वे अपना ठिकाना बदलते रहे। पिछले 6 महीने तलाशने के बाद भी बदमाशों का कोई पता नहीं चला। तब थक हार कर किसान और उसके बेटों ने गुरुवार को पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।